Once more. It's not matter of who's my next. मक्का मदीना में हर इंसान वीडियो बनाता है. मैंने बनाया वीडियो तो आप हर कोई बनाता है. मैंने मेरा दर्द मेरे अल्लाह के सामने रखा. मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए. आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के मैं उन सब मौलाओं से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है. मैं आदिल खान दुरानी की एक लॉयल बीवी थी. मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं झूठ नहीं बोलती. मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ. यूट्यूबरों, मुझे पांच पति वाला कलंक मत लगाओ. मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ. मेरे दुनिया के लोगों, ये तराजू है, मेरे 20 साल रखो और इसका ये अभी आके झूठ बोलना तराजू में रखो. मेरा तराजू देखो डेफिनेटली ऊपर होगा. मैंने सच्चे दिल से देश की जनता की सेवा करी है. मैंने कैसे भी कपड़े पहनकर कैसे भी बॉलीवुड में काम किया है. एज आइटम गर्ल, एज अ ग्लैमरस गर्ल, आज सभी मुझे फॉलो करते हैं. सभी लड़कियों की हिम्मत हूँ मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी लड़ाई लड़ूंगी मैं. दोस्तों, देश को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं आधे से लोग ज़्यादा, क्योंकि मैंने बुरखा पहना है. मैं मक्का मदीना गई, मैं एक पवित्र जगह पे गई, मैं दुआ मांगी, मैंने रोते रोते वीडियो बनाया. वहाँ पे छोटा बच्चा से लेके बड़े बड़े हर कोई फ़ोन में वीडियो बनाते हैं, आप जाके देखिए. क्योंकि एक राखी सावंत ने वीडियो बनाया तो कुछ सेलिब्रिटी मुझ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं. क्यों? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, मक्का मदीना में हर इंसान वीडियो बनाता है. मैंने बनाया वीडियो तो आप हर कोई बनाता है. मैंने मेरा दर्द मेरे अल्लाह के सामने रखा और अल्लाह को, काबा शरीफ को साक्षी रखकर मैंने वीडियो बना के दो लोगों को भेजा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी वरना मेरा अल्लाह मुझे मार डालेगा. मैं झूठ नहीं बोलती. मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो मैंने सबको बताया है. जो मैं एक महाराष्ट्र लड़की, मेरे साथ झूठा प्यार का वादा करके इस्लाम कबूल करा के मुझे पति के प्यार में, मैंने तो कहा था हम कोर्ट मैरिज करेंगे, नॉर्मल मैरिज करेंगे. उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा. ठीक है, मैंने पवित्र इस्लाम कबूल किया उनके प्यार के लिए. आज उन्होंने इस्लाम को कबूल करा के मैं उन सब मौलाओं से पूछती हूँ, उन सारे मुसलमानों से पूछती हूँ मेरा कसूर क्या है. मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने ईमानदारी से शादी की. मैं एक लॉयल बीवी थी. जब बीवी स्टार्टिंग में रहती है ना तो बहुत अच्छे फूल बरसाते, लेकिन जब उसको छोड़ने का रहता है ना तो पति उस पर कलंक लगाता, उस बहाने बनाता कि ये बच्चलन है, ये उल्टा है, ये कलंकित है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है. बट मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी. मैं अभी फ्लाइट में जा रही, मेरी फ्लाइट क्रैश हो जाए अगर मैं झूठ बोलूँ. मैं झूठ नहीं बोलती. मैं आदिल खान दुर्रानी की एक लॉयल बीवी थी. मैं झूठ नहीं बोलती दोस्तों, मीडिया वालों, देश की जनता, मैं एक लॉयल बीवी. मैंने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया, सच्चे दिल से प्यार किया, सच्चे दिल से उसका साथ दिया, लेकिन आदिल ने सिर्फ मुझे धोखा दिया. मेरा क्या कसूर है? मेरे दिल का क्या कसूर है? और वो लोग जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते, तुम्हारे घर में बहू बेटियां हैं, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो. सलाम. कुछ और सवाल है? मैं इमोशनल नहीं, मैं थक गई हूँ लोगों के, सारी ज़िंदगी लोगों के जवाब देते देते. मुझे एक नई ज़िंदगी जीनी है. और आदिल को मैंने 100 बार बोला डाइवोर्स दो, वो दे नहीं रहे. क्यों मुझे डाइवोर्स नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि तुमने इतने कलंक लगा दिए मुझ पर. तुम्हारे
हमारी शादी के बाद तो मैं रितेश से कभी मिली भी नहीं हूँ। बिग बॉस से रितेश निकलने के बाद उसके बाद मैं कभी रितेश से मिली नहीं। मैंने कहा, बहुत बड़ा कहा, मुझे जीना है, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मैंने अभी कहा कि मेरी फ्लाइट के बारे में मैंने अभी कहा, मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलती। मेरे जेवर बेचे, मेरे एवरी सब कुछ बेच बाच के मैंने आदिल को 1.5-2 करोड़ रुपए दिए। आदिल ने मुझे कुछ नहीं दिया, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा दिया होगा वो एज अ पति होने के नाते थोड़ा बहुत खर्चा दिया हो। मैं कहाँ गलत हूँ यूट्यूबरों, मैं कहाँ गलत हूँ यूट्यूबरों? तुम मुझे रोस्ट करो, मुझे गंदा से गंदा बोलो, लेकिन यूट्यूबरों में हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों के पैर पड़ती हूँ यूट्यूबरों। मुझे 5 पति वाला कलंक मत लगाओ, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, वो मैंने रियलिटी शोज किए हैं। मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुर्रानी के साथ हुई है, वो भी वो झूठी शादी साबित करने पर तुला हुआ है। रितेश मेरे अच्छे दोस्त है, जो मेरे वक्त पर काम आया है हमेशा। रितेश ने मुझ पर काफ़ी रुपए खर्च किए हैं, मेरी गरीबी में, मेरी माँ की लाचारी में और लॉकडाउन में। मेरे सर पे लोन था, मैं झूठ नहीं बोलूँ। आज उसने मुझे, आदिल खान दुरानी ने मेरी सारी कारें ले ली है, मुझे मेरे बैंक का सारा पैसा ले लिया है, मेरा जेवर, मेरी माँ के जेवर, मेरे जेवर सब कुछ ले लिया, और वो आप सबके सामने शरीर बन था। मैं कहती हूँ मैं यहाँ खड़ी हूँ तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मैं गुनहगार निकलूँ ना तो मुझे जला दो, मार दो, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूँ, मैं क्या करूँ? कोर्ट का तो आएगा आएगा, लेकिन मुझे रहना समाज में है। और एक बंदी जो है उसकी, जो राखी बांधने का झूठा नाटक कर रही है, वो गंदगी मुझे गंदगी कह रही है। तुमने पूरी दुनिया को दिखा दी है गंदगी कौन है। 8 साल की दोस्ती छोड़कर मेरे पति को छीनकर चली गई। तुमने दिखा दिया कि तुम जैसी औरतें सोसाइटी में रहने का लायक नहीं, तुम जैसी औरतों को कोई दोस्ती कर नहीं सकता, तुम जैसी औरतें दूसरों का पति छीन लेती हो। आज आज राष्ट्रीय मोरे मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी शायद टिकी रहती, क्योंकि उसी ने आदिल को बहुत चढ़ाया है, गंद बोला है कि मेरे पति है, मेरे बॉयफ्रेंड है, मैं ये हूँ, क्योंकि मेरी 8 साल की दोस्त है। और अपने हस्बैंड जो होते कान के कच्चे होते, बीवी पे यकीन नहीं करते, उसकी पाक, मैं पाक हूँ, मैं पाक हूँ। आदिल तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा तुमने किसे खो दिया है। आदिल मैं पाक थी, आदिल मैं पाक थी। एंड इट्स नॉट मैटर ऑफ इट्स नॉट मैटर ऑफ हु इज माय नेक्स्ट, सॉरी, नो 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 वेट, हाँ ये डालो यार, ये कट कर दे, थोड़ा फंबल आ गया। इट्स नॉट मैटर ऑफ माय एक्स, उसको तुम्हारी बंदी को बोलना कि मेरे खिलाफ अगर मैंने उसके लिए एक भी चीज बुरी बोली है नाम लेकर, तो उसको बोलना के सबूत पेश करे। और उसने मुझे कितने गालियाँ, अब्यूज़, स्टेटस, एक सेलिब्रिटी का स्टेटस।